लोकसभा में नागरिकता संशोधन बिल पेश हो गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में बिल को पेश किया और इस दौरान विपक्षी पार्टियों पर जमकर बरसे भी। जी हां, विपक्ष के विरोध के कारण बिल सीधे पेश नहीं हो पाया, बल्कि मतदान के जरिए इसे पेश किया गया। बिल को लेकर दिल्ली के लोगों की क्या राय है, चलिए आपको सुनवाते हैं। नागरिकता संशोधन बिल जो है वो लागू होना चाहिए। बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में जो हमारे हिंदू लोग रह रहे हैं वहाँ उन पर अत्याचार होते हैं, तो हम चाहते हैं कि वो यहाँ आ जाए, उनकी सुरक्षित जगह मिलना चाहिए, उनको सारी फैसिलिटी मिलनी चाहिए। एक संशोधन बिल जो बिल उसमें अमेंडमेंट किया जा रहा है या करना चाहते हैं, उससे ये है कि उससे लोगों को परेशानी ना होना चाहिए, नहीं होनी चाहिए किसी भी तरह से। ठीक है कि बाहर का लोग है जो इस कंट्री में आता है फॉर द बीइंग टाइम के लिए, टेम्प्रेरी टाइम के लिए आता है, मगर उसको उसी अपनी जगह पर जाना चाहिए, ये नहीं कि वो परमानेंट यहाँ रह जाए। ऑलरेडी इंडिया के अंदर इतनी पॉपुलेशन है, यहाँ पे यहीं की पॉपुलेशन से परेशान है, वाई शुड आउटसाइडर से अलाउड इन इंडिया। मैं इसके अंदर 100% प्रयोग करता हूँ। अगर मैं वर्ल्ड वाइज भी देखूँ तो वर्ल्ड वाइज भी पॉपुलेशन है कि आगे कोई भी नहीं चाहता कि जो है मेन एंटर पब्लिक एंटर हो अपनी कंट्री के अंदर। वाई शुड इंडिया अलाउ वाई आई थिंक इट्स गुड एंड इट्स बेटर फॉर द जनरेशन ऑल्सो एंड द पॉपुलेशन ऑल्सो। वी कैन कंट्रोल द पॉपुलेशन मेन्स।